सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम सबको। तो आज है जन्माष्टमी और अभी हमारे गांव में चल रहा है जन्माष्टमी का फेस्टिवल, के जो मटकी फोड़ने का वो सब होता है वो, और एक रथ यात्रा निकल रही है हमारे गांव में। और ये जो बैलगाड़ी अभी तो कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन पहले जिसका बहुत यूज़ होता था शादी वगैरह में ऐसे ही सजा के ले जाते थे, वैसे ही अभी सजाया हुआ है पूरा। और जो पुराने वाला गाड़ा हम बोलते हैं वो आता था लकड़ी के पहियों वाला, जिसने देखा होगा उनको पता होगा वो है। और बैल अभी यहाँ पर सब लोग क्या बोलते हैं खुशी के उसमें खेल रहे हैं, रास ताड़ी रसम बोलते हैं वो, उस तरफ लेडीज का और इस तरफ जेंट्स का, और बीच में ये कृष्ण भगवान की मूर्ति उसमें है गाड़ा उसमें। अभी पूरे गांव में घूमेंगे ये तक, और अभी तो कम है लोग, लेकिन फिर गली गली से फिर जुड़ते जाएंगे इसमें, सारी गलियों में जाएंगे और रास्ते से भी, तो वहां पर सारे होंगे तो वो फिर छूट जाएंगे। और यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति अंदर भी पूरा एकदम अच्छे से सजाया हुआ है, और यहाँ पर भी सब लोग खेल रहे हैं। मेन रोड से होके आगे जाएंगे, अभी पीछे आ रहे हैं सब लोग, अभी सादा हो गए लोग, अभी यहाँ से रोड से होते हैं फिर आगे कहीं पर
जहाँ पर मटकी फोड़ने का जो है पूरा प्रोग्राम, वहाँ पर जाके मटकी फोड़ के फिर वापस आएंगे, ऐसा कुछ होगा। और अभी बारिश आना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन बारिश में भी रुकते नहीं, अभी इतनी बारिश नहीं है, खरोड़ आके चली जाती है वो वाली बारिश, वरना तो रुकना पड़ता है। बारिश यहाँ पर आगे ही है थोड़ा सा ही आगे मटकी फोड़ने का, क्योंकि मैंने देखा है पहले, इसलिए मुझे पता है कहाँ पर है, तो फिर वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर जाकर उसके बाद फिर वहाँ से मंदिर पे जाकर खत्म होगा शायद, तो ऐसा ही होगा। अभी पीछे सब लोग आ रहे हैं और अभी हम पहुंच गए वहां पर जहां पर मटकी फोड़ने का होगा, वो ज़्यादा ऊपर नहीं है, मटकी नीचे ही है ताकि कम हाइट पे कोई भी मटकी फोड़ सके, मतलब कि थोड़ा सा तो ऊपर है लेकिन इतना भी ऊपर नहीं है, मीडियम। अभी पीछे सारी लेडीज का कीर्तन वगैरह चल रहा है, और अभी उसके पीछे भी है थोड़े से, तो आ जाए उसके बाद होगा मटकी फोड़ने का सारा काम। तो अभी स्टार्ट होने वाला है मटकी फोड़ने का, अभी ये ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर है मटकी, आपको दिख रही होगी, नारियल से ही फोड़ते हैं, हाँ नारियल से ही फोड़ते हैं, मैं अभी तो बोल रहा था तब तक तो फूट भी गए, तो उसमें चॉकलेट वगैरह रखी थी तो सारे बच्चे वगैरह ले लेंगे, दूसरा कुछ नहीं था। अभी यहाँ से फिर जाएंगे वापस सीता मंदिर पे, यहाँ पर था, यहाँ पर एरिया थोड़ा सा खुला था तो इसलिए शायद यहाँ पर रखा होगा, ऐसा कुछ कारण होगा। और अभी जा रहे हैं सब लोग वापस वहाँ पर मंदिर पे, ये देखो ये गाड़ी का बोल रहा था, इसमें लकड़ी के पहिए होते हैं, अभी कैसे वो ट्यूब वाले आते हैं, कैसे पहले लकड़ी के आते थे, तो शायद अभी भी मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ पुराने जैसे आते थे वैसे नहीं आते, उसमें सारी डिजाइन वगैरह होती है। तो ये है हमारा जन्माष्टमी का खाना जो 3-4 दिन तक चलता है, ताज़ा भी बनाते हैं आज जन्माष्टमी के दिन से, लेकिन ये 4-5 दिन तक रहता है। ये है गुड़ वाला गेहूं के आटे से जो रोटी बनाते हैं हम, उसी तरह से ही तलते हैं इसको, फ्राई करते हैं गुड़ वाला मीठा, थेपला बोलते हैं हम इसको। और ये मसाला थेपला है जो तीखा होता है थोड़ा, और मेथी और दूसरा सब कुछ जो होता है वो इसमें आता है। ये तीखा गाठिया है, ये टोमेटो स्टिक है टमाटर के फ्लेवर की गाठिया जैसी ही, ये मोरा गाठिया मसाला जिसको हम बोलते हैं, ये है लसनिया गाठिया जो सेव जैसा है पतला सा, इसके पास में ये जो है इसको हम चवाना बोलते हैं,
कठोड़ और फरसान, मकाई का पोहा और सब कुछ इसमें आता है। ये खाखरा है जो कि मैंने अभी तोड़ दिया, छोटे छोटे कर दिए। मसाला खाखरा और अचार मसाला दोनों है मिक्स में। ये है मोहन थाल, हमारे गाय के घी का ही बना हुआ। ये है पोटैटो चिप्स। और यहाँ पे है खाजली जो कि अभी चीनी की जो चाशनी है उसमें भिगो कर आएगी, ताज़ा ही खाने का मज़ा आता है उसका। जिस तरह से हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं उसी तरीके से ये चाशनी भी बनती है। और जलेबी की जैसे ही चाशनी में डुबो के फिर निकाल लेते हैं तो मीठी हो जाती है। ये खाजली है पोरबंदर की प्रख्यात। ये मोरी और मसाला दोनों आती है। तो ये है खाजली जो कि चाशनी में डुबो के ले आए हैं अभी।